हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि मैंने ज्वेलरी कुछ ऑनलाइन ख़रीदी है, कुछ अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदी है। तो ये ज्वेलरी एक ऐसी है जिसके बिना लेडीज अधूरी है, उसकी फंक्शन पार्टी सब उसके बगैर अधूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी ड्रेस पर कौन सी ज्वेलरी पहने, और शादी के फंक्शन में कौन सी ज्वेलरी पहने, और बर्थडे में कौन सी ज्वेलरी पहने, और हम लोकल में और डेली यूज में कौन सी ज्वेलरी पहने। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का चोकर है और इसमें ये ग्रीन कलर के स्टोन है और ये बीच में रेड कलर का स्टोन है। ये फ्रेंड्स हम साड़ी के ऊपर पहन सकते हैं और शादी में और बर्थडे वगैरह में पहन सकते हैं, और इसे पहनकर काफ़ी अच्छा लुक आएगा। चोकर आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और ये पहनकर बहुत अच्छा लगता है। ये इयररिंग है और फ्रेंड्स ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, ये इयररिंग है ये कान में डालने के, ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिए। अगर हमारी कोई ब्लैक कलर की ड्रेस है तो इस पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। हमारी ब्लैक कलर की ड्रेस है और रेड कलर की ड्रेस है, तो इन्हें पहनकर उस ड्रेस पर काफ़ी अच्छा लुक आता है। इन्हें हम सूट प्लाजो और गाउन किसी पर भी पहन सकते हैं, ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है। फ्रेंड्स, ये इयररिंग काफ़ी हैवी है और इसके साथ ही इसमें दिया गया है मांग टीका। ये इसके साथ ही मांग टीका, ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से ही लिया है, ये देखिए। और इन्हें लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है, ये देखिए इन्हें लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है। फ्रेंड्स, ये एक चोकर है, ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसे हम ब्लैक कलर की ड्रेस पर और फिरोजी स्काई ब्लू ड्रेस पर और सी ग्रीन ड्रेस पर ये चोकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसका भी पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है और इसकी रेंज भी काफ़ी कम है, ये 250 का है। और इसे हम गाउन के ऊपर, साड़ी के ऊपर इसे डाल सकते हैं और सूट के ऊपर, इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आए। और ये काफ़ी सुंदर है, ये जो इसमें स्टोन दिए गए हैं ये मोती का वर्क किया गया है, और इसमें ये मिरर लगाए गए हैं, और इसमें भी मिरर लगाए गए हैं, ये सब में मिरर लगाए गए हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ इयररिंग नहीं आए थे, एक नेकलेस ये है, इसे लड़कियाँ जीन्स के ऊपर पहनते हैं, जीन्स के ऊपर पहनने से काफ़ी अच्छा लुक आएगा। आप इसे साड़ी के ऊपर या सूट सलवार के ऊपर या गाउन के ऊपर पहनना अवॉइड करें, ये जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं, इसे स्कर्ट और टॉप के ऊपर पहन सकते हैं। इसे पहनकर इसे लड़कियां काफ़ी पहनती है और एक अच्छा मॉडर्न लुक भी आता है। फ्रेंड्स, इसे पहनने के बाद एक सेलिब्रिटी वाला लुक आता है। देखिए फ्रेंड्स जी, ये ब्लैक कलर के मोतियों वाले इयररिंग्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये भी मैंने अपने लोकली मार्केट से लिया है और ये ब्लैक कलर के स्टोन है और ये गोल्डन है। फ्रेंड्स, इसे आप कैरी कर सकते हैं साड़ी के ऊपर, गाउन के ऊपर और सूट सलवार के ऊपर, और सूट और शरारे के ऊपर इसे आप कैरी कर सकते हैं, इसे पहनकर भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जिनका कि सदियों से फैशन है और जिनका फैशन कभी आउट होने वाला नहीं है और ना कभी हुआ था और ना ही आगे होगा। बात करते हैं झुमकी की। ये झुमकी हर किसी को पसंद है और हर किसी के फेस पर अच्छी लगती है, चाहे किसी का कलर डार्क है या लाइट है या किसी भी तरह का कलर हो, ये झुमकी हर किसी पर अच्छी लगती है और हर किसी को पसंद आती है। आप पहन सकते हैं सूट साड़ी या शरारा, ये हर एक ड्रेस पर अच्छी लगती है। और इसमें ये स्टोन वाइट कलर का स्टोन लगाया गया है और इसे हम ब्लैक ड्रेस, वाइट ड्रेस और गोल्डन ड्रेस किसी भी ड्रेस पर पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप जींस टॉप पर अवॉइड करेंगे, उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है और इसे आजकल हर कोई पहन रहा है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये
ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए। और इस पर ये जो है ये गणेश जी बने हुए हैं, और ये जो कान के हैं इसमें भी गणेश जी बने हुए दोनों साइड में। ये ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी है और इसे पहन कर काफ़ी अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स। ये ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी हैं ये हमें कॉटन के कपड़ों पर ही अच्छी लगते हैं। इसे आप फ्रेंड्स जो बनारसी सिल्क साड़ियाँ हैं उन पर आप पहनना ऐड करो, ये उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये जो हमारे कॉटन के कपड़े हैं उन पर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। कॉटन के कपड़े हुए, शिफॉन हुई और जॉर्जेट हुई, और ये प्रिंटेड कपड़े हुए उन पर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप नाइट में पहनना भी अवॉइड करें, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप इन्हें दिन में ही पहने और कॉटन के कपड़ों पर पहने फ्रेंड्स। एक चोकर है ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का ही है, ये भी इस पर ये सितारा दिया गया है, ये भी पहनने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए इसके चारों तरफ सितारा दिया गया है और ये घुंघरू लगाए गए हैं, और ये गले से बिल्कुल सेट हो जाते हैं, गले से चिपकती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके साथ कोई इयररिंग नहीं थे, इनके ऊपर हम इसी से मैचिंग इयररिंग भी पहन सकते हैं फ्रेंड्स। ये भी कॉटन के कपड़ों पर ही अच्छी लगेगी, ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है फ्रेंड्स, ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। इन्हें हम ब्लैक कलर के कपड़ों पर और रेड कलर के कपड़ों पर, प्लेन कपड़ों पर या प्रिंटेड कपड़ों पर किसी पर भी पहन सकते हैं फ्रेंड्स। जो गले का नेकलेस है ये भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए। और इसे हम जींस टॉप पर भी पहन सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। साड़ी पर और सूट पर पहन सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं बालों की ज्वेलरी की, कि हम अपने बालों में क्या ज्वेलरी लगाएं जिससे कि हमें पार्टी में बहुत अच्छा लुक आए फ्रेंड्स। ये बालों में लगाने के लिए है, इसके तरफ ये दोनों साइड में पिन दी गई है ये फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसे बाल खोलकर पीछे से इसे लगा सकते हैं, इस टाइप ऐसे ही लगा सकते हैं। और अगर आप जूड़ा बनाना चाहते हैं तो जूड़े के बीच में से ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, और ये दोनों साइड में पिन दी गई है और ये पिन से इसे अटैच कर सकते हैं, इससे बालों में एक बहुत अच्छा लुक आएगा। ये फ्लोवर्स है फ्रेंड, आप फ्लोवर्स में जूड़ा बनाकर और इसे लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देगा। और फ्रेंड्स ये जूड़े की बेल है, इसे भी आप जूड़े में लगा सकते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक दे। ये देखिए फ्रेंड्स ये इयररिंग्स है, ये भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। इन्हें भी आप सूट सलवार फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें सूट और शरारे पर पहने तो ये काफ़ी अच्छा लुक देंगे। और ये फ्रेंड्स ये जो मैंने पहन रखे हैं ये मैंने गांव में एक मेला भरा था तो ये मैंने वहाँ से लिए थे, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इन सब ज्वेलरी में से मेरी ज्वेलरी आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।